दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने उन लोगों को राहत देने की तैयारी कर ली है जिन्होंने आम आदमी पार्टी के बिजली आंदोलन में अपना बिल जमा नहीं करवाया था। आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक गुरुवार को दिल्ली कैबिनेट इस फैसले पर मुहर लगा सकती है। सरकार के फैसले का लाभ 29,000 उपभोक्ताओं को होगा जिन्होंने अक्टूबर 2012 और दिसंबर 2013 के बीच बिजली का बिल नहीं भरा है। ऐसा करने में सरकार के ऊपर तकरीबन 13 करोड़ रुपए का बोझ भी पड़ेगा। कैबिनेट की बैठक में दिल्ली सरकार पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत के निर्देश दे सकती है। बताया जा रहा है कि केजरीवाल सरकार संबंधित विभागों को निर्देश दे सकती है कि शीला दीक्षित के खिलाफ लोकायुक्त रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाए। सरकार के निर्देश के बाद संबंधित विभाग एक दो दिनों में शीला के खिलाफ कार्रवाई पर विचार कर सकती है। बिजली बिल माफ करने के फैसले को लेकर सरकार की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। ईमानदारी से बिल चुकाने वाले उपभोक्ता इस फैसले का विरोध कर सकते हैं, ऊपर से कानूनी अड़चनें भी आ सकती हैं। लिहाजा केजरीवाल सरकार का ये मानना है कि इस मसले पर कदम फूक फूक कर रखा जाए। आज तेलंगाना बिल को लेकर कैबिनेट की अहम बैठक है। कैबिनेट से पहले दो बार मंत्रियों का समूह बिल को लेकर माथापच्ची कर चुका है। माना जा रहा है कि आज तेलंगाना बिल पर आखिरी मुहर लग सकती है। इस मुद्दे को लेकर संसद से सड़क तक संग्राम जारी है। बुधवार को संसद में जोरदार हंगामा हुआ तो आंध्र भवन में तेलंगाना और सीमांध्र के समर्थकों के बीच झड़पें हुई। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि जाति के आधार पर आरक्षण जारी रहेगा। सोनिया गांधी ने साफ किया है कि अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी के लिए आरक्षण को जारी रखने पर कांग्रेस की नीति में कोई बदलाव नहीं आएगा। दरअसल सोनिया गांधी को सफाई देने की नौबत तब आई जब जनार्दन द्विवेदी के बयान के बाद विवाद खड़ा हुआ। लोकसभा चुनाव से पहले तीसरे मोर्चे को खड़ा करने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। 11 पार्टियों की बैठक में चुनावी समीकरण पर माथापच्ची की गई। बैठक के बाद जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने कहा कि संसद के दोनों सदनों में गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस पार्टी जो तीसरा मोर्चा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं वो एक ब्लॉक तैयार करेंगे और एक पार्टी की तरह एकजुट दिखेंगे। सीताराम येचुरी के मुताबिक संभावित तीसरे मोर्चे में लेफ्ट पार्टियों के अलावा जेडीयू, एसपी, एआईएडीएमके, बीजू जनता दल, झारखंड विकास मोर्चा समेत कई पार्टियां शामिल हो सकती हैं। कम्युनल वायलेंस बिल एक बार फिर ठंडे बस्ते में चला गया है। तमाम कोशिशों के बावजूद सरकार उसे राज्यसभा में पास कराना तो दूर, पेश तक नहीं कर पाई। तमाम विपक्षी दल इस कदर एकजुट हुए कि सरकार की एक नहीं चली। बिल के विरोध में बीजेपी के साथ एसपी, बीएसपी, डीएमके, एआईडीएमके और वाम दल एकजुट हो गए। गौरतलब है कि बिल लोकसभा में पास हो चुका है। कोलकाता रैली में बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हमला भी किया और इमोशनल कार्ड भी खेला। मोदी ने कहा कि सोनिया गांधी के पीछे हटने पर सबसे वरिष्ठ प्रणब मुखर्जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। बंगाल इस बात को याद रखे। मोदी के इस बयान के बाद कांग्रेस ने भी पलटवार किया और कहा कि प्रणब मुखर्जी देश के सबसे बड़े पद पर विराजमान हैं। कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में नरेंद्र मोदी ने संभावित तीसरे मोर्चे पर भी निशाना साधा। लाखों की भीड़ के सामने खड़े होकर मोदी ने कहा कि तीसरे मोर्चे के नेता हेलीकॉप्टर से आकर इस भीड़ को भी देख लें। मोदी के हमले पर पलटवार करते हुए जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने कहा कि गुजरात के सीएम सपने बेचते हैं। कोलकाता रैली के बाद दिल्ली लौटकर मोदी ने नीडो केस को लेकर अरुणाचल के छात्रों से मुलाकात की। मुलाकात गुजरात भवन में हुई। मोदी ने अरुणाचल के छात्रों की शिकायत सुनी और उन्हें भरोसा दिलाया कि जल्द ही सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी। मोदी ने छात्रों को हर मुमकिन मदद देने का भरोसा दिलाया। नीडो मामले को लेकर आज अरुणाचल के कांग्रेसी सांसद राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली में बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद टीडीपी और बीजेपी के बीच गठबंधन के कयास बढ़ गए हैं। मुलाकात के बाद चंद्रबाबू नायडू ने कोई भी टिप्पणी करने से मना कर दिया। आज तक के ऑपरेशन दिल्ली पुलिस पर केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा है कि पुलिस वालों को घूस लेते देखना परेशान करने वाला है। स्टिंग ऑपरेशन में दिखे घूसखोर पुलिस अफसरों के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई जांच की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उधर सातों पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया है और उनके खिलाफ विजिलेंस विभाग ने भी एफआईआर दर्ज कर लिया है। मुंबई और पुणे ब्लास्ट के आरोपी यासीन भटकल को आज मझगांव कोर्ट में पेश किया जाएगा। एटीएस ने उसे दिल्ली पुलिस से हिरासत में लिया है। यासीन भटकल को जर्मन बेकरी, झावेरी बाजार और मुंबई ओपेरा हाउस धमाकों का मुख्य आरोपी बनाया गया है। गिरफ्तार होने के बाद से यासीन भटकल ने कई अहम खुलासे किए हैं। दिल्ली पुलिस आज मणिपुरी लड़कियों से छेड़छाड़ के मामले में अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी। अरुणाचल के छात्र नीडो तनियाम की दुखद मौत के बाद यह घटना हुई थी।
दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में उत्तर पूर्व के छात्रों के साथ नस्ल भेदी बर्ताव का मामला गर्म होता जा रहा है और इस मामले में तमाम राजनीतिक दलों ने उत्तर पूर्व के छात्रों के साथ मुलाकात भी की है। तिहाड़ जेल अब सेमी ओपन जेल से ओपन जेल के कॉन्सेप्ट पर विचार कर रहा है। कुछ साल पहले सेमी ओपन जेल के तहत उम्र कैद की सजा काट रहे कैदियों को जेल के भीतर कहीं भी जाने की छूट है, उन्हें रहने और सगे संबंधियों से मिलने की छूट है। सेमी ओपन जेल का विचार कामयाब होने के बाद ओपन जेल को वजूद में लाने की कोशिशें चल रही हैं, जिसके तहत कैदियों को जेल से बाहर जाकर अपने जरूरी काम करने की छूट होगी, लेकिन शाम तक उन्हें जेल वापस लौटना होगा। एक ओर तिहाड़ जेल में जहां ओपन जेल के कॉन्सेप्ट पर विचार चल रहा है, वहीं दूसरी ओर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की जा रही है। जेल में हाईटेक पोल कैमरे लगाए जा रहे हैं जो कैदियों के शरीर में छुपाए गए किसी भी चीज को बेनकाब करेंगे। दिल्ली के मुंडका में खिलौना गोदाम में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से लगी इस आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। देखते ही देखते लपटें 30 फीट ऊंची उठने लगी। आग से बचाने के लिए आसपास के इलाके को भी खाली कराना पड़ा। 7 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इस घटना में गोदाम में काम करने वाले एक शख्स की मौत हो गई। मुंबई पुलिस ने शहर के 2 होटल में रेड मारकर 5 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। इन सटोरियों की गिरफ्तारी मुंबई पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। पुनीत पावा और चंदर नाम के सटोरे की पुलिस को लंबे समय से तलाश थी। सूत्रों का कहना है कि इनके संपर्क पाकिस्तान से हो सकते हैं। दिल्ली पुलिस के स्पेशल स्टाफ ने आज 3 और शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर उनसे 64 लाख रुपए नगद बरामद किए हैं। पुलिस ने तीनों लुटेरों से एक रेसिंग बाइक और वॉक्सवैगन कार भी बरामद की है। पुलिस का कहना है कि लुटेरे जोगिंदर ने अपनी गर्लफ्रेंड पर रौब जमाने के लिए लूट के तुरंत बाद एक नई रेसिंग बाइक खरीदी थी। मुंबई में सस्ते मकान की अफवाह जोरों पर है। हजारों लोग महज 54,000 रुपए में मकान की चाहत लिए मंत्रालय के बाहर उमड़ पड़े। भगदड़ ना मचाए इसके लिए सरकार ने फौरन कई अफसरों को फॉर्म जमा करने के लिए काम पर लगा दिया, लेकिन बाद में सरकार ने साफ कर दिया कि सस्ते मकान की ऐसी कोई स्कीम उसने नहीं निकाली है। पंजाब के धर्मगुरु आशुतोष महाराज को लेकर सरकार ने हाईकोर्ट में जो रिपोर्ट दाखिल की है, उसके मुताबिक वो क्लिनिकली मृत हो चुके हैं, लेकिन देवी ज्योति जागृति संस्थान के प्रमुख आशुतोष महाराज के समर्थक और सेवादार इसे मानने को तैयार नहीं है। समर्थकों का कहना है कि वो गहरी समाधि में लीन है। आशुतोष महाराज के पूर्व ड्राइवर ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में अर्जी डालकर कहा था कि आशुतोष महाराज अब इस दुनिया में नहीं रहे और उनके कुछ संचालक डेरे की 1,000,000,000 रुपए की संपत्ति हड़पने की फिराक में है। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में चल रहे ऑटो एक्सपो का आज दूसरा दिन है। कारों के इस मेले में देश विदेश की कई कंपनियों ने अपनी नई कारों की झलक पेश की। पहले दिन की शुरुआत मारुति की SX4 के साथ हुई। हुंडई मोटर्स ने सेंटा फे का एक नया मॉडल लॉन्च किया। वहीं रेनो ने डस्टर की कामयाबी के बाद इसका लिमिटेड एडिशन भी बाजार में उतार दिया है। जनरल मोटर्स की मशहूर कार कमारो का अग्रेसिव अंदाज यहां लोगों को दीवाना बना रहा है। वहीं जनरल मोटर्स के भारतीय डिजाइनरों की कॉन्सेप्ट कार आंद्रा ने दुनिया के नामचीन कार इंजीनियरों को चुनौती दी है। ऑटो एक्सपो में सचिन तेंदुलकर ने BMW की नई सीरीज पेश की। BMW इस साल i8, X5 और M6 मॉडल लॉन्च करेगी। i8 CBU यानी कम्प्लीटली बिल्डअप यूनिट है। इसमें इलेक्ट्रिक मोटर और पेट्रोल इंजन दोनों हैं। इसे सुपर कार बताया जा रहा है जो करीब 245 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार पकड़ सकती है। ऑटो एक्सपो में सितारों का मेला भी देखने को मिल रहा है। करीना कपूर ने दिलीप छाबड़िया की 2 नई कार लॉन्च की। करीना ने दिलीप छाबड़िया की डिजाइन की गई SUV एलेरॉन और छोटी कार तिया को पेश किया। इस मौके पर करीना ने कहा कि वो अपने पति सैफ अली खान से ये कार गिफ्ट के तौर पर लेंगी। 12वें ऑटो एक्सपो को 7 फरवरी से आम लोगों के लिए खोला जाएगा। कार और बाइक का ये मेला 11 फरवरी तक चलेगा। इस ऑटो एक्सपो में लोग 70 नई कारें और 100 नई दोपहिया वाहन का दीदार कर सकेंगे। इस एक्सपो में 500 से ज्यादा नई टेक्नोलॉजी और 5,000 से नए प्रोडक्ट भी दिखाए जाएंगे। न्यूयॉर्क के लागार्डिया एयरपोर्ट पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब वहां एक संदेहास्पद चीज मिलने की खबर मिली। स्थानीय मीडिया में आई खबरों के मुताबिक डेल्टा फ्लाइट में सवार हो रहे एक शख्स को पुलिस ने बाहर निकाला। रिपोर्ट के मुताबिक उस बैग से धुआं उठ रहा था जब उसे प्लेन में लोड किया जा रहा था। इस घटना के बाद एयरपोर्ट को यात्रियों के लिए थोड़ी देर के लिए बंद करना पड़ा। अमेरिका के उत्तर पूर्वी इलाके में जोरदार बर्फबारी हुई है। सड़कों पर करीब 1 फुट ऊंची बर्फ जमा हो गई। इस बर्फबारी का असर सबसे ज्यादा कैनसास सिटी, मिसौरी, स्नो प्लोजर और स्नो ब्लोअर्स पर सबसे ज्यादा पड़ा है। कनेक्टिकट में 20 इंच तक बर्फबारी हुई है। इस बर्फबारी के बाद गैर जरूरी सरकारी कर्मियों को घर में ही रहने की सलाह दी गई है, जबकि न्यूजर्सी में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है।
अमेरिका के टेक्सास फ्रीवे पर एक ट्रक ओवरपास से टकरा कर लटक गया। इस विशालकाय ट्रक का एक हिस्सा फ्रीवे पर था जबकि दूसरा हिस्सा ओवरपास की रेलिंग से लटक रहा था। इस ट्रक के लटक जाने से ह्यूस्टन को जाने वाली गाड़ियां देर तक फंसी रही। काफी मशक्कत के बाद इस ट्रक को वहां से हटाया गया जिसके बाद सभी लेन खोले गए और गाड़ियों की आवाजाही शुरू हुई। पाकिस्तान के कराची शहर के सांस्कृतिक उत्सव में गधों की अनूठी दौड़ हुई। 5 गधों को एक साथ गाड़ी में बांधकर दौड़ाया गया। ये दौड़ करीब 4 घंटे तक चली। 15 दिनों तक चलने वाले इस सिंध महोत्सव में संस्कृति और कला को बढ़ावा दिया जाता है। इस महोत्सव की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता के महान शहर मोहनजोदड़ो से हुई। फेसबुक अपनी 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 4 फरवरी 2004 को मार्क जुकरबर्ग ने इसकी शुरुआत सोशल नेटवर्किंग साइट के रूप में की थी, लेकिन तब फेसबुक सिर्फ यूनिवर्सिटीज में चलता था। जल्दी फेसबुक देश और दुनिया की बहुत बड़ी नेटवर्किंग साइट बन गया। आज फेसबुक का इस्तेमाल करने वालों की संख्या करीब 100 करोड़ है और तमाम चुनौतियों के बावजूद फेसबुक दुनिया की नंबर 1 सोशल नेटवर्किंग साइट है।